welcome and welcome back to my channel. In today's video we are doing Meesho haul, Meesho abaya haul, the most requested video ever on my channel. So yeah, this Meesho haul gonna be under ₹1000. Okay, I tried my best कि मैं 1000 के अंदर ही कुछ अबायाज ऑर्डर करूँ आपके लिए, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी भी हो और एट द सेम टाइम लुक्स में भी बहुत अच्छा हो. सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हाय माय नेम इज लुलु अरवा, प्लीज टेक सम टाइम एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. आई मेक ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड फैशन रिलेटेड कॉन्टेंट. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट रोलिंग. आई विल बी शोइंग यू गाइस कि मैंने क्या देख के ऑर्डर किया था. मैं यहाँ पे पिक्चर दे दूंगी और मैं हाथ में आपको प्रोडक्ट दिखा दूंगी. ऑल्सो आई विल वेयर, मतलब मैंने स्टाइलिंग करके भी यहाँ पे एक वीडियो यहाँ पे दे दूंगी, तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा समझने के लिए कि ये कैसा आया है और मुझ पर कैसा लग रहा है. सो साइज भी आप वही हिसाब से एज अ रेफरेंस रख सकते हो. सो और सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. सो जो फर्स्ट ड्रेस जो मैंने ऑर्डर किया वो मैंने ये देख के ऑर्डर किया था. मुझे ना एक सिंपल ब्लैक बेसिक अबाया चाहिए था. इसमें आप देख सकते हो ये फुल अप टू डाउन जिप जैसा लगा था, तो मुझे लगा था तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मैंने ये ऑर्डर किया है. एंड दिस इज व्हाट आई रिसीव्ड. वेट, आई विल शो यू. ये जैसा मुझे पिक्चर में दिखा था वैसे ही रिसीव हुआ. इसके फ्रंट में कुछ ऐसे जिप मिल जाता है, यू गाइस कैन सी. और जिप की जो क्वालिटी है ये भी बहुत ही कोई अच्छी है. इसमें साइजेस नहीं थे, फ्री साइज ही मैंने परचेस किया है. आप ये पूरा ओपन कर सकते हो, ठीक है. यू कैन डेफिनेटली ओपन ये फुल, आप ऐसे ओपन कर सकते हो. और पहनने के बाद ये कैसा लगता है मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, यू गाइस कैन सी. क्वालिटी बहुत अच्छी है. ऑल्सो इसके फ्रंट में ऐसे कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं, ठीक है, जिसके वजह से ना जो फ्रंट में और थोड़ा सा प्यारा लगता है. एकदम प्लेन नहीं है बट बेसिक अबाया है, मतलब बेसिक में ही थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है. और इसकी स्लीव कुछ ऐसी है, यहाँ से इलास्टिक मिल जाता है आपको दोनों साइड में. पहनने के बाद कोई बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, आप देख सकते हो. मटेरियल इसका मीशो पे फिरदौस मटेरियल कुछ लिखा था, बट आई वुड से मटेरियल, हाँ, जो नॉर्मल अबाया का मटेरियल होता है ना, ये वही मटेरियल है. इसको नॉर्मल मार्केट में निदा मटेरियल बोलते हैं, पर इन्होंने फिरदौस कुछ मटेरियल बोला है. सो या जस्ट कीप दैट इन माइंड. देख सकते हो पिक्चर में कितना अच्छा लग रहा है, मतलब वीडियो में पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है. प्लीज़ डोंट माइंड, मेरी तबीयत आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मेरी यहाँ पे शक्ल भी बड़ी ख़राब लग रही है, पर कोई नहीं. इसके साथ में आपको हिजाब भी मिल जाता है, हिजाब भी अच्छी क्वालिटी का, ठीक है, अच्छा खासा सॉफ्ट है और सर पे रुकने वाला हिजाब है. इतनी ख़राब क्वालिटी नहीं, अकॉर्डिंग ये मुझे पड़ गया था ₹966 का और फ्री साइज़ है, ठीक है. इसके हिजाब में ऐसे कुछ मिल जाता है, हिजाब शॉल जो भी लोग बोलते हैं, या मैं तो उसको हिजाब ही बोलती हूँ. तो या दिस इज़ हाउ इट लुक्स. ये बहुत ही अच्छी इसकी लेंथ विड्थ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, बहुत ही अच्छा हिजाब है, ठीक है. बट आप सारी चीज़ प्रेस करके पहनना, मैंने ये वीडियो में बस ऐसे ही आपको पहन के दिखाया है. ऑल्सो इसके साथ आपको नकाब मिल जाता है, बहुत ही क्यूट सा. वेट, आई विल शो यू. बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा नकाब मिल जाता है, आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हो. ये कुछ ऐसा लगता है नकाब, ठीक है, मैंने प्रेस नहीं किया, मैंने इस्तरी नहीं किया इसके लिए, ये कुछ ऐसा लग रहा है. पर या बहुत ही प्यारा लगता है, आप इसको ऐसे पहन सकते हो, यू नो, मास्क के बदले भी ऐसे लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है. तो ये भी आपको फ्री मिल जाती है, ठीक है. एक और चीज़ है, मतलब ज़रा भी फिनिशिंग नहीं है, एक इधर उधर से आपको धागे निकले हुए मिलेंगे, पर क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इतने कम पैसे में. तो हाँ, आराम से उसको खींच के निकालना या फिर कट कर देना, ठीक है, खींचना ही मेरी तरह कट कर देना. सो दिस वॉज आवर फर्स्ट परचेज. मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा. वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं प्ले कर दूंगी. और या मेरा हाइट है 5'1", तो मुझे थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट इफ़ यू आर 5'3" 5'4" आपको भी ये परफेक्ट फिट होगा. मेरे लिए आई हैव टू कट इट डाउन, मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद इतनी छोटी हूँ तो मैं गिर जाऊँगी. मैंने ये वीडियो में कैसे भी मैनेज करके आपको दिखाया है. ऑल्सो मुझे यहाँ पर शोल्डर में थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि या वो थोड़ा सा आपको साइज़ करना पड़ेगा अपने साइज़ के हिसाब से. अगर आपको नहीं आता है तो आप रिटर्न भी कर सकते हो, ऐसा कुछ टेंशन भी नहीं है कि रिटर्न नहीं होगा, रिटर्न हो जाएगा भाई. तो या दिस वाज माय फर्स्ट ऑर्डर. सेकेंड जो अबाया मैंने ऑर्डर किया वो मैंने कुछ ये देख के ऑर्डर किया है. ये ब्लैक है, ब्लैक में ब्राउन का भी मिक्स है, ठीक है, ब्लैक और ब्राउन मिक्स अबाया है, तो ये बहुत ज़्यादा मुझे स्टाइलिश लगा और मैंने यही सोच के लिया कि यार ये हमेशा फैशन में रहेगा, ठीक है. तो ये ऑर्डर किया था एंड दिस इज व्हाट आई रिसीव्ड, यू गाइस. जैसा मुझे पिक्चर में दिखा था वैसे ही रिसीव हुआ है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है. अगेन मैंने इसको इस्त्री नहीं किया, इसके लिए इसकी हालत ऐसी लग रही है, बट आई बेट यू क्वालिटी अच्छी है, ऐसे नहीं कि बहुत ख़राब है,
पर मुझे ना बहुत ज़्यादा घंटा ला रहा था इसको इस्त्री करने के लिए, तो मैं नहीं करी। हाँ या तो ऐसे ही मैं थोड़ा एकदम लेम सा एक वीडियो बना रही हूँ, पर देख सकते हो पहनने के बाद में ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। मैं क्योंकि छोटी हूँ तो मुझे तो मतलब मेरी हाइट थोड़ी छोटी है, 5'1" हूँ मैं, इसीलिए मुझे ये सारे थोड़े से लूज है और थोड़े से ज़्यादा लंबे। अबाया तो लूज ही होते बट थोड़ा ज़्यादा ही लूज है मुझे और कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग है, तो वो तो मुझे फिक्स करना पड़ेगा। ऑल्सो ये फुल ऐसा क्लोज अबाया नहीं है, ओपन अबाया, यहाँ से पूरा ओपन है और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे भी आपको दो हुक मिल जाता है, यू गाइस सी, मतलब ये पूरा ओपन भी ऐसा हो सकता है, तो आप वेस्टर्न वेयर किसी के साथ में ऐसा पहन सकते हो। इसमें आपका ड्रेस दिखेगा, ठीक है, जब आप चलोगे तो नीचे साइड से आपका ड्रेस दिखेगा। सो इफ यू आर ओके विद दैट यू कैन डेफिनेटली परचेज दिस। इसकी स्लीव्स कुछ ऐसी आती है, प्लीज गाइज अच्छा क्वालिटी है, ठीक है, मटेरियल सब अच्छा है बट इस्त्री नहीं किया है इसीलिए उतना ज़्यादा प्लीजिंग नहीं लग रहा है आपके आईज में, मतलब दिखने में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने इस्त्री नहीं किया। यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हो, पहनने के बाद बड़ा ही प्यारा लगता है। ऑल्सो इसके साथ में बेल्ट भी मिल गया था, वेट आई शो यू। तो या दिस इज द बेल्ट वी रिसीव्ड विद दिस, देख सकते हो यहाँ पे वीडियो में, और इसमें भी आपको हिजाब मिल ही जाता है। इसका जो हिजाब मटेरियल ना जो मैंने पहले दिखाया था उसका हिजाब बहुत ही मुझे अच्छा लगा मटेरियल, पर ये उतना कुछ खास मटेरियल नहीं है, ठीक है, ये हिजाब एकदम ही लोकल सा मटेरियल, यू गाइस कैन सी, एकदम इसको बोलते हैं लोकल। जो मैंने पहले दिखाया था वो अच्छा था, ये एकदम ही लोकल है, मैं तो डेफिनेटली नहीं पहनूंगी। इसमें आपको ऐसे मिल जाता है, उसके साइड में ये लोग बस सेम कलर लगा के दे देते हैं, पर मैं तो ये हिजाब के साथ में तो बिल्कुल भी नहीं पहनने वाली। देखो कितना ही कोई खराब, मतलब बंदा पहन ही क्यों रहा है, देख सकते हो पूरा तो दिख रहा है, इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, इतना ज़्यादा विजिबल, इट्स अ कम्प्लीटली नो, मतलब दे ही क्यों रहे हैं ये लोग हिजाब, सिर्फ नाम के लिए देख रहे हैं बट बिल्कुल भी इसका यूज़ नहीं है। अबाया इज ओवरऑल वेरी गुड, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें कोई साइज नहीं अवेलेबल है, इट्स अ फ्री साइज प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब लार्ज टू एक्सेल हर किसी को आ ही जाएगा, मुझे तो लगता है डबल एक्सेल वालों को भी आराम से आ जाएगा, सो नो नीड टू वरी, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। ये था मैंने जो सेकेंड ऑर्डर, ये अबाया मैंने सेकेंड ऑर्डर किया है। थर्ड अबाया जो मैंने लिया है ये मैंने कलरफुल अबाया पे इन्वेस्ट किया है, मैंने सोचा कि ना थोड़ा एक कलरफुल अबाया भी हो जाए अपने ये हॉल वीडियो कलेक्शन में, तो मैंने ये वाला ऑर्डर किया है। ऐसा मैंने पहले भी मीशो से ऑर्डर किया था, मेरे दूसरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, मैंने वहाँ पे एक अबाया हॉल वीडियो किया हुआ है, लेट मी नो, आप प्लीज़ दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि मैं दोनों चैनल पे ही हॉल वीडियोस डालने वाली हूँ, ब्यूटी फैशन लाइफस्टाइल और व्लॉग्स भी आ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो यार प्लीज़ दोनों को सब्सक्राइब करके रखो। तो ये वाला मैंने ऑर्डर किया थर्ड वन, ये मुझे कुछ ऐसे कलर का दिखा, इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल थे, पिक्चर भी बहुत अच्छी लग रही थी, पहनने के बाद ऐसा मुझे लगा कि भाई बहुत ही प्यारा लगेगा, तो मैंने ये ऑर्डर किया है एंड दिस इज व्हाट आई रिसीव। मुझे पिक्चर में जो कलर था उससे एकदम ही अलग कलर आया, मैंने थोड़ा सा एक पिंक कलर जैसा देख के मैंने ऑर्डर किया था, मेरे पास पिंक कलर नहीं था और पर्पल कलर, फिर से यार पर्पल कलर आ गया मेरे पास, मुझे नहीं पसंद है यार पर्पल कलर, पता नहीं मुझे हर चीज़ में, मतलब इससे पहले भी कब आया मुझे पर्पल ही रिसीव हो गया था, पर कोई नहीं, ये कुछ ऐसे लगता है, ठीक है, पैटर्न तो जैसा दिखाया था वैसा ही सेम है, पर मटेरियल मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था, ये बहुत ही ज़्यादा वो बोलते हैं ना फिसलने वाला कपड़ा, ये कुछ वैसा कपड़ा है, ठीक है, सैटन सैटन जैसा कुछ कपड़ा है और बहुत ही ज़्यादा लूज है, अच्छा मुझे एकदम कफ्तान टाइप है, ठीक है, पर आपको यहाँ पे जो है ना ऐसे स्टिचिंग मिल जाती है, तो आपका ऐसा पूरा हाथ तो नहीं दिखेगा, पर या स्टिचिंग बस यहाँ से एक बीच में स्लीव में, पहनने के बाद ये कुछ ऐसा लगता है, तो आपको आइडिया मिल ही जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ। और इसके अंदर एक और चीज़ है, ठीक है, इसके अंदर से ना आपको कुछ ऐसा मिल जाता है, वेट आई शो यू, जो मैं वीडियो में नहीं दिखा सकती हूँ, अंदर से ना ये आपको यहाँ पे ऐसे बांधना पड़ता है, तो ये आगे से एकदम बॉडी फिट लगता है, मतलब यहाँ से एकदम आपको फिट लगेगा, बाकी पूरा लूज है, तो मेरे को तो ये स्टाइल ही इसका समझा नहीं, ठीक है, ये अबाया का मुझे स्टाइल ही समझा नहीं है, हाँ मुझे समझा लाइक पहन के मैंने देखा है, पर मुझे कुछ ज़्यादा खास अच्छा लगा नहीं है, बिल्कुल भी मुझे खास अच्छा नहीं लगा है। तो या जस्ट कमेंट करके बताना कि आप ये लेने का सोच रहे हो क्या, अगर सोच रहे हो तो यू कैन जस्ट सी, ये आपको ऐसा कुछ रिसीव होगा, ठीक है, एकदम ही वाल बुरका बोलते हैं ना, वही चिमगादड़ जैसा रहता है ना बुरका, ये वैसा है, ठीक है, चिमगादड़ लुक इंस्पायर्ड बुरखा। इसमें ब्लैक कलर्स भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है, पर नो
मेरे को तो ज़्यादा नहीं पसंद आया। इसके साथ में दुपट्टा भी आ गया है, ठीक है, ये इसका कुछ दुपट्टा कुछ ऐसा है, ये भी पता नहीं ये लोगों ने क्यों ही दिया है भाई। मतलब इतना कुछ ये मटेरियल ख़राब है कि बस क्या ही बोलूँ मैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सेम कलर का दुपट्टा आ गया है, सेम अबाया आ गया है, ये भी मुझे बहुत सस्ता मिल गया है, पर या प्राइस के हिसाब से ठीक है, इस्त्री करके पहनोगे तो और अच्छा लगेगा। मैंने तो ऐसे ही आपको पहन के दिखाने के लिए, अपने काम के लिए मैंने कर दिया, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सो या डेफिनेटली ये तो मैं किसी को गिफ्ट करने वाली हूँ। और या नाउ लेट्स मूव टू आर लास्ट अबाया। लास्टली मैंने सोचा यार वाइट अबाया तो बड़ा अच्छा लगता है, पर मैं कभी भी जब भी मैं वाइट ऑर्डर करती हूँ तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आता है। तो अब की बार अगेन मैंने एक वाइट अबाया ऑर्डर किया है, तो मैंने ये देख के ऑर्डर किया है। आपको पता है लास्ट में मैं अपना फेवरेट दिखाती हूँ, तो मैंने ये ऑर्डर किया है, मेरा मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। एंड यू गाइस दिस इज व्हाट आई रिसीव्ड। यू गाइस ये रेयन कॉटन मटेरियल है, ये अबाया कम गाउन ज्यादा लग रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हो कैसा लग रहा है। ओ वाओ बड़ा ही प्यारा है, इसकी स्लीव एक अंदर है, मैंने भी पहन के देखा था इसीलिए। हाँ बट या दिस इज हाउ इट लुक्स, ठीक है। अबाया गाउन जैसे भी आप पहन सकते थे अगर इसमें अंदर कुछ लाइनिंग दी होती, बट इसमें कुछ भी लाइनिंग नहीं दी गई है, तो एज अ अबाया आप इसको पहन सकते हो, नहीं बोलूंगी। पर मैंने यहाँ पे देखो, मैंने टी शर्ट पहना था तो अंदर से मेरा पूरा टी शर्ट का प्रिंट दिख रहा था। यू गाइस सी, मैं ये हाथ तल के दिखा देती हूँ आपको, ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। वाइट हमेशा ही ट्रांसपेरेंट होता है, तो मुझे बड़ा शौक है वाइट अबाया का, पर मैं कभी मुझे मिल ही नहीं पाते क्योंकि वाइट मटेरियल बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। लेट मी नो ये आपको कैसा लगा है, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा पर है ये ट्रांसपेरेंट। सो या लेट मी नो आपको कैसे लग रहा है, पहनने के बाद बहुत ही कोई प्यारा लग रहा है। अगर आप इसको मैनेज कर सकते हो तो आप पहन लेना, अगर आप गाउन जैसे पहन रहे हो तो अंदर एक वाइट कलर का इनर पहन लेना, वाइट कलर का टी शर्ट होता है ना वो पहन के जीन्स पहन लेना, बहुत ही कोई प्यारा लगेगा। मतलब जीन्स दिखेगी तो नहीं, पर ऐसे आप अंदर पहन सकते हो जीन्स या लेगिंग्स, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और ये अगेन दिस इज इन द साइज मीडियम, इसी में मैंने साइज सिलेक्ट किया, बाकी किसी में मैंने साइज सिलेक्ट ही नहीं किया, सब फ्री साइज था। तो या इसमें कुछ मुझे ना दुपट्टा आया ना नकाब आया, इसमें कुछ भी नहीं आया, यहाँ पे सब फ्रिल्स लगे हुए हैं और मटेरियल एकदम कॉटन मटेरियल, समर फ्रेंडली है बहुत ही। आजकल अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी तो पहनने का ही सीजन है ऐसे कॉटन मटेरियल। तो या दिस वॉज माई लास्ट परचेज, इसको मैं रेट करूँगी कि मतलब ठीक है, अच्छा भी नहीं लगा मुझे, बुरा भी नहीं लगा, पर बाकी सबसे मुझे थोड़ा अच्छा लगा। एक जो फर्स्ट मैंने दिखाया था ना वो मुझे बहुत सही लगा, और ये वाला भी अच्छा है, बस ट्रांसपेरेंट है, तो वही मुझे एक प्रॉब्लम है, पर मैं इसको मैनेज करके पहन लूंगी। सो या दैट्स इट, आई रियली होप यू गाइज एंजॉयड एंड फाइंड दिस वीडियो रियली 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 हेल्पफुल। सो या टेक सम टाइम एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे, ओके। मेरा कमेंट सेक्शन खाली पड़ा हुआ रहता है यार, प्लीज कमेंट कर दो। एंड या बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, नाउ लेट्स मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।